जय माता जी, राम राम सीता राम। चलो इधर खाना खाने के लिए, क्योंकि इसमें जो ये गेहूं की रोटी है, बाजरे की तो सुबह सुबह कोई नहीं बनाते ना, बनाना तो बाजरे की रोटी चाहिए, क्योंकि गेहूं है तो खराबी है, चलो तो बना खाना पड़ेगा, क्या करेगा, आदत होगी ऐसी। तो सुबह सुबह यही मिलती है ना, बाजरे की बढ़िया रहती है, तो सुबह सुबह नहीं बना। इसमें देखो ये काकरेज का दही है, ये ना काकरेज का दही है, इसमें ये गोड़ घी है, काकरेज क्या ना काकरेज का है गोड़ और घी। इसमें ये गाजर, गाजर बोलते हैं हमारे, उसका अथना है। इधर एक गुंदा आता है, गुंदा उसका अथना है, और सबसे बढ़िया तो ये अथना है इसमें, केड़ा, केड़ा का अथना है, केड़ा का और नींबू का और केरी का, केरी का भी ऊपर पड़ा है, केरी का अथना आता है ना वो ही खाना चाहिए। केरी आता है, एक केड़ा आता है और नींबू, और सब्जी में ज्यादातर अभी कटोले की खाना चाहिए, और कारेला आता है, तुरी आता है, गलका आता है, बारिश के टाइम में वो ही सब्जी खाना चाहिए, भिंडी भी खाना चाहिए, भिंडी भी खाना चाहिए, गुवार है, क्योंकि बारिश के टाइम में वो ही सबसे बढ़िया रहती है। जैसे देसी फ्रिज है, इसमें जो मेरे जैसे कोई बाद में उठते हैं ना, उसके लिए ढक के रखते हैं, और इसमें सास है, दिखा दे हमारे किमोरा में इधर सास, इसमें सास है, और पानी भी अभी बारिश का ही पीते हैं। इधर देखो ये फिल्टर है, फिल्टर है, वो सलाते नहीं, कोई पानी नहीं पीते, ये किमोरा में देखो ये फिल्टर है, इसमें तो फिल्टर का पानी कोई नहीं पीते, ये पित्तर बोलते हैं उसको, त्रांबा, त्रांबा ना गोरा है, क्या कहते त्रांबा ना, और ग्लास भी वही है, तो वही बारिश का पानी हम पीते हैं, कि फिल्टर का नहीं पीते। बारिश का पानी आता है ना, वो गंगा जी जैसा आता है, हर किसान होता, हर घर वाले को ये बारिश का पानी स्टॉक करना ही चाहिए, वही पीना चाहिए। हमारे भी इधर एक बनाना है उसका, बारिश का पानी के लिए, यह ना तो बारिश का पानी भरने के लिए हमारे इधर टाका बोलते हैं, अंडरग्राउंड टाका, यह ना वो बनाएंगे मेरे हिसाब से 10-15-20 हजार लीटर का, जो वो पानी आ जाता है ना, तो ये दुनिया में कोई मशीन ऐसा पानी बना ही नहीं सकती, पैदा ही नहीं हुई है, यह ना कि ऐसा मशीन बनाने में कोई गंगा जी का पानी और ये बारिश का पानी, कितना भी करोड़ का आप मशीन लेगा, कोई भी करेगा, ऐसा पानी नहीं होगा कहाँ, और बीमार भी नहीं होगा, घुटनों में दर्द भी नहीं होगा। और देखो ये लाडवा जैसा बना लिया हमने, इसमें गेहूं की रोटी है और गुड़ ने घी है, तो चलो मैं खाना खा लेता हूँ, बाद में आगे वीडियो देखते रहना। देखो ये नाइट में भी बारिश हुई है, ये इतना मच्छर हुआ है, तो पागल कर देते हैं सबको। देखो ये बाहर भी ऐसा है, अंदर भी ऐसा है, कहाँ जाएगी ये, साले भगवान मिलता नहीं है उसको, ना को पकड़ के इसमें रगड़ूंगा, क्योंकि साला वो मिल जाएगा ना, तो इसको इसमें पकड़ के 2 दिन रगड़ूंगा, 2-3 दिन, क्यों ना भगवान भी इधर मिलेगा ना, वो ही करूँगा मैं तो, चलो मर गया है कि जिंदा है वो ही पता नहीं भगवान तो, या ना मर गया है कि जिंदा है पता ही नहीं, ऐसा थोड़ी हालत होती है गाय वाली। देखो ये ना ऐसा ये आज 2 मंथ हो गया है, 2 मंथ में 2 दिन कम है, आज 13 तारीख है मेरे हिसाब से, तो ये गाय को ऐसा हाल करके रखा है, और ये हमारे अति सुंदर एक इधर सुखी हो गई है, कि अकेली है ना, और ये दूसरी भी सुखी हो गई थी, इसको अंदर रखा था ये माता को, लेकिन इसने झगड़ा ही किया इसके साथ, इसको मारा, ये नया नया आई है तो ये डरपोक है, उसमें आँख में भी कुछ लगाया था, देखो ये सही हो रही है, यानी कि इसकी आँख में लगा था अति सुंदर को, ये हम लाया है, ये शांत भी बढ़िया है विशाल, ये सबसे बहुत डरती थी, ये सब मार रहे थे इसको, यानी अकेली को मार रहा था, तो इसको अकेली को अंदर रखा है,
बढ़िया बनेगी, ये ना बढ़िया बनेगी। और इसको रखा था, लेकिन इसका किस्मत ही ऐसा था, ये ना कि इसका किस्मत ही ऐसा था ओसड़ी का, तो अंदर चली गई क्योंकि इसको मार रही थी, तो इधर ये भाग भी नहीं सकती। तो देखो ये गेहूं कितना खराब है, कल बाजरी खत्म हो गई है इधर घर पे, तो ये मरगा भी बाजरी नहीं खाते, देखो गेहूं नहीं खाते। इसको भी पता है कि गेहूं खाने के लिए आया कि नहीं है, बाजरी खाते हैं, छोटे छोटे आते हैं इसको ये बाजरी। यहाँ पक्षी को भी पता रहता है कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना। देखो ये मरगे भी गेहूं नहीं खाते, वो बाजरी खाते हैं। गेहूं डाला है कल से, आज तो बाजरी आ जाएगी, मंगवा जाए। देखो ये मरगी को एक तो अंडा पे बिठाई है, देखो ये नीचे बैठती है लेकिन ये अंडे पे नहीं बैठती। माँ जब ये बैठी थी तब ये अंडा लेके आया, तो इसको मालूम हो गया ये अंडा मेरा नहीं है, उसी का ही, दोनों मुर्गी का, ये मुर्गी का है और ये मुर्गी का, लेकिन ये अंडे पे नहीं बैठती, नीचे बैठती है। चलो बाहर, हेलो, देखो ऐसे ही बैठी हुई नीचे, यहाँ नहीं बैठना इसको माता। तो ये अंडा मेरे को बाहर निकालना है, तो क्या करेगा, इसका कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा मुर्गी का। नीचे अंडा रखेंगे तो इधर उधर कर देती है, तो इसको ऐसा लगा ये अंडा मेरा नहीं है। हाँ माता, तो ठीक उसका मैं जुगाड़ कुछ करता हूँ, नीचे अंडे रखता हूँ, क्या करती है देखते हैं। देखो इसमें मच्छर मारने वाला भी चल रहा है, इधर ये सर्विस स्टेशन का मशीन मतलब है, इधर ये आईफाई है, वाईफाई सीसी कैमरा सब है। इधर बाहर ये सर्विस हो रही है हमारी, आन बान शान शहर न खाली शान से, ये हमारी बढ़िया जबरदस्त घोड़ी पगमत गार्डन ले गई कहाँ पे जी। हमारे यहाँ कहते हैं गार्डन रखा। ये देखो ऐसे ही निकालना चाहिए, ये साफ कर देना चाहिए पूरा, यह ना कि ये पूरा साफ करना चाहिए ऐसे, ये ऐसा आता है मोर जैसा, ऐसे साफ करके रखना चाहिए, तो इसमें मिट्टी नहीं जाएगी, यह ना कि मिट्टी नहीं जाएगी, तो इसको कोई बीमारी नहीं है कोई, और इसके घुटनों में पानी भरता है ना, वो पानी भी नहीं भरता, ये हमेशा सर्विस रहता है। यानी पहला काटे पास फुवारो मारे, देखो इसके दोनों पैर में पदम है, वो पदम क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, ये हमारे पदम है, देखो देखो ये दोनों पैर में पदम है, लक्ष्मी कदम जैसा दोनों पैर में, आगे वाले में पदम है, ये तूफान की माँ है, तूफान की माँ है, और सुबर भी है, सुबर भी है आठ मंथ के आसपास, आठ मंथ के आसपास हमें वाले ऐसे ये फुहारा रखा है तो सर्विस हो जाती है। मेरे हिसाब से बच्चा ही आने वाला है इसको, चारों पैर में पदम है, देखो पीछे वाला भी पैरों में पदम है, पग में लग गए सही दिमकान लग गया। टेम्पू मेर जो पूछ रहा था, बढ़िया हाइट वाली घोड़ी है, ये माँ ही होती है ना तभी बच्चा बढ़िया आता है, बाप से कुछ नहीं होता, मतलब सही बता, कोई घोड़ा 100 घोड़ा में से एक घोड़ा ऐसा होता है कि घोड़ा पे आता है, घोड़ी पे आती है, बढ़िया घोड़ी होगी ना तो ही बच्चा बढ़िया आता है, उसमें तो माँ तो 100% ये घोड़ी का ही रोल बताता हूँ, घोड़ी का ही रोल बताता हूँ। ऐसे भाई साहब हमारी नाम से आलिशान, ये हमारा फार्म से मैं बताता हूँ आपको, ये देखो घोड़ी है, तो घोड़ा तो एक ही बताया है, ये देखो ये अभिजीत बच्चा है, इसकी माँ इधर है ब्लैक, तो इसकी माँ बढ़िया है ना तो बढ़िया बच्चा आया है, और तो कलर भी माँ जैसा आया है ब्लैक। एक बार ये घोड़ी को बताया था, ये ही घोड़ा कन्हैया ही बताया था सबको,
तो इसको बसड़ आया था, इसकी कोई हाइट नहीं, ये होगी मेरे हिसाब से 59 के आसपास। इसका बस आया था, कोई महीने वाला नहीं आया था। और ये देखो हमारे महादेव खड़ा है, और ये देखो हमारे लक्ष्मी है, कहने के लक्ष्मी है ये घोड़ी। देखो ये कुमेद है, पूरी तेलिया कुमेद है। उसकी बच्ची आई ना, ये जो अभी दी थे ना, उसकी बहन है ये, लक्ष्मी नाम है। ये पूरी कुमेद है, वो माँ के जैसी आई। वो बच्चा आया ना, देखो ये डरपोक भी बहुत है, डरेगी बहुत। तो मैं थोड़ा बस बस देखो इतनी डर, इसको अभी पकड़ के बांध के रखते हैं। हमारे अति सुंदर नाम है, जो अभिजीत है ना, उसकी बहन ही है, लेकिन इसकी माँ की कॉपी टू कॉपी आप भी दे सकते हैं दोनों। ये दोनों का कपार में फूल है माँ का, तो इसको भी फूल है। इसकी माँ का दो पैर पीछे वाला सफेद है, तो इसका भी दो पैर सफेद है। पूरी कहने का पूरी कुमेद है ये। उसकी माँ भी डरकोक बहुत है, तो ये भी बहुत डरती है। इसको ये बांध के अभी अभी रखते हैं, पूरा पकड़ के रखा है उसका, ये जो कोठिया आता है ना वो भी, क्योंकि ये आदमी पास में आता है ना तो इतनी डरती है कि कहाँ ने कहाँ चोट लगा देती है। तो इसको काबू करना भी थोड़ा तो मुश्किल होगा। ये बड़ी होगी, इसकी माँ से हमारे को ना कहीं इसको माँ से अलग करना ही नहीं था कि माँ के साथ बेटी 10 साल भी रह सकती है, लेकिन ये अति सुंदर को तो 2-3 मंथ अलग करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये इतनी डरती है कि कहाँ ने कहाँ चोट लगा देती है। हमारे को तो पास में नहीं जाने कोई भी आदमी को, देखो मैं तो मालिक है, हमेशा आता हूँ इसके पास, खाना नहीं डालता बाता तो हूँ। तो ये काकरेज से भी बढ़ कर डरती है, काकरेज मालिक से आता है तो नहीं डरती, ये तो इतनी डरपोक है कि देखो इधर खड़ी है, मैं पास में हाथ ले जाऊंगा ना तो भी भाग जाएगी, देखो मैं क्या काट लेता हूँ उसका, इतनी डरती है। ये इसकी माँ है, ये भी थोड़ी डरपोक है और गुस्सेल भी है, ऐसा नहीं है। ये भी कोई घोड़ा घोड़ी पास में निकलते है तो लात से ही बात करती है, तो इसीलिए माँ जैसी बेटी आई है। और ये हमारे आलिशान का बच्चा तूफान, देखो इसका पैरों में पदम, अभी गीला नहीं है तो बताएगा नहीं, इसके पैरों में पदम है तो दिखाई नहीं देगा, मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा छोटा मोटा दिखाई दे, देखो इसका पैरों में भी पदम है। और ये हमारे तूफान आलिशान का बेटा है, जो माँ आलिशान है, अभी सर्विस हो रही ना उसका बच्चा, देखो इसकी कॉपी रेड है, ये इसकी माँ पचकलियान है, मिट्टी मिट्टी भरा हुआ है बारिश की वजह से। इसमें देखो ये सब गीला कर दिया है रूम, ये सूखेगा ही नहीं, क्या करेगा। तो ये आपको लगेगा सांड घोड़ा ही लगेगा, अभी तो पास में खड़ा है। देखो ये बाप जी, जरा इधर देखिए, देखो कुंडा हमारा शेर खड़ा है, क्या ना हमारा शेर खड़ा है इधर, बहुत बढ़िया है घोड़ा, अभी तो मीठी मीठी भरा है। तो ये नाइट में इधर, कल इसको सर्विस किया था तो आज मीठी मीठी हो गए, इधर बैठते हैं ना नाइट में, बहुत लोग बोलते हैं घोड़ा बैठते नहीं, घोड़ा सो जाते हैं, बैठते नहीं क्या। और इसका पैर है ना बहुत बढ़िया है, आप भी देख सकते हैं, अभी भी सर्विस होगा, ये दिन में सर्विस होगा, नाइट में ऐसा कर देता है, सुबह तो ऐसा गीला ही रहता है। ये बारिश ने इतना तंग किया है कि भगवान आता है ना तो इसको पकड़ के 15 दिन इस घोड़े के रूम में बांध देता हूँ, साले मिलता नहीं, क्योंकि साले मिलता नहीं है, देखो उसको मालूम चलेगा ये 2-2 मंथ बारिश करेगा तो घोड़ाओं की क्या हालत होती है। देखो हमारे ये न का सफेद नुकरा है, कल सर्विस किया है इसको, हालत देखो ये पूरा गीला हो गया है। ये भगवान मिलेगा तो उसका थोड़ा मैं इंतजाम तो जरूर करूँगा, साले हरामी भगवान बोलते हैं, ऐसे भगवान को कहाँ, इसलिए मैं बोलता हूँ सबको मंदिर पे जाके पैसा देना ही नहीं चाहिए, है ना, मंदिर पे जो पैसा देता है ना, और मंदिर से बहन बेटियों की इज्जत लूटते हैं ना, इसलिए मैं बोलता हूँ आप खिलाए गायू बैलू घोड़ा और कुत्ता और पक्षी और पागलों। देखो ये इसको कल सर्विस किया है तो बढ़िया है, अभी नाइट में इसको अंदर करेंगे तो ऐसा ही करेंगे। देखो हमारे ये नर घोड़ा बोलते हैं,
आगे वाला पैर इसको बांध के रखना पड़ता है, मतलब गड्ढा कर देते हैं तो भी ये जो गाडला डाला है उसका हालत बेहाल कर दिया है तो बढ़िया आता है, मतलब तोड़ देते हैं। देखो काट रहा है, इसको नाम नर बोलते हैं, इसको नाम नर बोलते हैं। आपको लगेगा तो नर घोड़ा है, बढ़िया हाइट है इसकी। दोनों साकर से बांधा हुआ है, पित्तर की हाकर है, मतलब ये रस्सा तो काट देते हैं। देखो इधर से साकर बांध के रखी है इसको, ये हाकर ही है, पित्तर की हाकर है, और इधर भी बांध के रखा है, इसका नाम नर बोलते हैं। देखो ये हमारे अर्जुन खुला है, पसेड़ी नहीं लगाया वो लड़का ने, तो भी ये ऐसा कोई गुस्सा नहीं करता, बढ़िया शांत रहता। और ये भी लायत नहीं मारते भी, लेकिन खुदाई का काम बढ़िया करते हैं हमारे दुकान। और ये हमारे लक्ष्मी देखो, जो जैसी माँ होती है ऐसा ही बसा। देखो ये कान बठिया कर रही है, मैं पास में आया, मैं उसको पता है कि ये मालिक है, मैं हमेशा इसके पास आता हूँ, खाना नहीं डालता लेकिन आता तो है ना, इसको पता है ये राम भाई हमारा मालिक है, आप बेटा भी हमको तो बोल सकते हैं उसका, लेकिन हमारे से गुस्सा करती है। देखो ये गुस्सेल में खड़ी रहती है, तो अति सुंदर ऐसी होगी, माँ ऐसी है तो माँ जैसी होगी। देखो 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 ये बैठिया कान करेगी, ये कल सर्विस है, इसको आज सुबह सर्व किया, कल नाइट में आज शाम को रूम में पूरे गए, मिट्टी मिट्टी होगी, कल तूफान जैसी हो जाएगी। देखो पुट्ठा पुट्ठा गर्दन, ये 2 मंथ और 2 साल 2 मंथ का हुआ है। देखो हमारी आलिशान आई है, ये तूफान की माँ, इस बच्चा की ये माँ है, आपको 2 साल का बच्चा नर लगेगा और ये इसकी माँ है, सर्विस होकर आई है, ये हमारी आन बान चान है आलिशान, है ना, शांत भी बढ़िया रहती है, कभी लात नहीं मारती, कभी काटती नहीं, कोई छोटी लड़की छोटा लड़का कोई बच्चे को भी बिठा के अब उसको लगाम दे देंगे तो ये चलती रहती है। अर्जुन निडामन्नत मेरी तो गठवी की। देखो ये अभी सर्विस होके आई है, कल इसको भी रूम में पूरे गए ना तो ये मीठी मीठी हो जाएगी, हमेशा सर्विस होती है, यानी ये हमारी आन बान चाल है, हमारी चाल आलिशान। देखो ये पच कल्याण है, दोनों पैर आगे वाला और दोनों पैर पीछे वाला, एक थोड़ा कम है, और तूफान इसका बच्चा आया ना, उसका चारों पैर बढ़िया। ये हमारे पागल को अर्जुन गांडा, इसका ये निकल गया था, हमारे तो इधर डामण बोलते हैं, इसको डामण बोलते हैं, वो निकाल दिया था, लेकिन वो कोई ऐसा नहीं करते, डरपोक बहुत है ये, लाइट बंद करते वैसा भाई साहब आशीर्वाद बढ़िया देना। देखो हमारी अति सुंदर सांप जैसे फीण लगा के खड़ा रहता है ना, ऐसे ही खड़ी है ए माता। देखो जैसे सांप रहता है खड़ा, ऐसे ही खड़ी रहती है, और इतना कोटिया भी इतना बांध के पकड़ के रखा है उसको, टुका शेरनी को, ये हमारे शेरनी रखना था तो नाम तो है, अति सुंदर ही रूपारी बहुत है, बढ़िया खूबसूरत है। देखो इतनी डरपोक है, देखो बाहर नहीं, ये कभी सर्विस ही नहीं हुई, मेरे हिसाब से 5 मंथ से ये कभी सर्विस लेने के लिए आई ही नहीं, क्या करेंगे उसको, सर्विस करेंगे तो हर पैर तोड़ेंगे, इतनी डरपोक है। वैसा है भाई साहब आशीर्वाद बढ़िया देना, बढ़िया बनेगी, ये थोड़ी इसकी माँ दूध दे रही तो थोड़ी कमजोर है, लेकिन ये बढ़िया हो जाएगी। ये इसका भाई है अति सुंदर का, देखो सांड घोड़ा हमारे महादेव है, ये ना महादेव है, ये भी जब छोटा था तो थोड़ा डरता था, ये पानी जो भी पानी ज्यादा पीते है ना वो रूम ज्यादा खराब करते हैं, अब ये सबको जोगाड़ मिलेगा, ये ना कि सबको छोटे छोटे वाले को जोगाड़ मिलेगा, जो दूध दे रही है ना उसको दोनों टाइम मिलता है जोगाड़, ये दूध इसको दूध पिलाते हैं तो इसको जोगाण दोनों टाइम मिलता है। देखो ये लक्ष्मी कदम को पकड़ के बांध दिया है, ये ना इसको बांध दिया है, और अभी वो उसका बच्चा है, देखो उसको जोगाण वहां रखा है, वो आएगा नहीं, कहने का नहीं आएगा, बाद में जाएगा,
ऐसा है भाई साहब, जय माता दी।